अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मिमन फ्रॉम द लैंडमार्क रेडी। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सभी को ईद उल अदा की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है फ्रॉम मुमरा स्टेशन टू शिलफटा, अलग अलग वेरिएंट्स में है। अब मेरे पास एक न्यू प्रॉपर्टीज आई है जो नियर टू पोजीशन है, 33 लाख से 1 BHK स्टार्ट होता है, जो मार्केट में सबसे चैलेंजिंग रेट है और ये नियर टू पोजीशन है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें, कॉल बिजी आए तो क्या करना है पता है आपको, व्हाट्सअप करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ज्योति शर्मा अब जिंदा लौट आई है। हालांकि परिवार के लोगों ने ज्योति शर्मा का अंतिम संस्कार भी कर चुके थे, मगर 53 दिन बाद ज्योति शर्मा यूपी के नोएडा से जिंदा मिली तो सबके कान खड़े हो गए कि अगर ज्योति शर्मा जिंदा है तो फिर वो लाश किसकी थी जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के भिंड जिले का है। मेहगांव में रहने वाले सुनील शर्मा की पत्नी ज्योति शर्मा बीते 2 मई को लापता हो गई थी। काफी खोजबीन की गई मगर उसका कुछ पता नहीं चला और 4 मई को एक महिला की जली हुई लाश मऊ थाना के कनरौल गांव के पास खेत में मिली। हादसे वाले जगह पर मायके वाले भी पहुंचे और शिनाख्त की ज्योति शर्मा के रूप में उस लाश की पहचान की गई। हालांकि पति सुनील शर्मा लाश किसी और महिला की है ये बताता रहा, मगर पुलिस ज्योति शर्मा की लाश मानकर मायके वालों को शव दे दिया और अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। उधर पुलिस ज्योति शर्मा के पति सुनील शर्मा को दबोच लिया, मगर सुनील शर्मा कबूल करने को तैयार नहीं था कि ज्योति शर्मा की ही लाश है। मगर ये पूरा राज तब खुला जब ज्योति शर्मा के पति सुनील शर्मा पुलिस से बचते बचाते एक दिन बैंक पहुंचा तो पता चला कि ज्योति शर्मा के खाते से 2700 रुपये निकाले गए, क्योंकि ज्योति शर्मा लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थी भी। ज्योति के खाते से पैसे निकालने की बात सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और जांच पड़ताल शुरू कर दिया गया। पता चला कि एक सेंटर से अंगूठा लगाकर ज्योति ने पैसे निकाले और पुलिस ज्योति को ढूंढते हुए नोएडा पहुंची और टूटी चप्पल फुटपाथ पर जुड़वाते हुए आखिरकार ज्योति को पुलिस ने बरामद कर लिया। कोर्ट में पेश करने के बाद ज्योति को मायके वालों को सुपुर्द कर दिया गया है, मगर वहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस लाश को ज्योति शर्मा समझकर अंतिम संस्कार कर दिया गया था आखिर वो लाश किसकी थी।